दिल्ली। रवि का हेलमेट था वो वहां यहां से नीचे गिरा। तो सीन्स कुछ ऐसे थे कि श्रीनगर ने हमारा स्वागत एक बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ किया। हालांकि मेरी जो सुबह थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। तो अब क्या करेगा तू, नेटवर्क तो खराब हो गया, आगे जाएगा नहीं जाएगा? वापस जाऊंगा यहाँ से। तो अब जाने से भी जाएगा क्या? नहीं होगा तो आगे और कुछ खराब नहीं होगा। ये जो ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक सही बात, आगे जाने से कुछ भी खराब हो सकता है। आंसू तो अंदर मन से रो रहा है वो आदमी। भावभीनी श्रद्धांजलि तेरे लैपटॉप को, अमर रहे। कल की राइड कैसी थी? कल की राइड मौसम थी, ऑसम थी। असम का नतीजा क्या निकला? बस वही एक सुख है मेरी जिंदगी में। ओहो, तो ऐसे सुख पाने के लिए थोड़ी थोड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। आ, तो बड़ी सुख तो था ना भाई, सुख के लिए कुर्बानी रवि देता है। रवि, तुम सुख के लिए कुर्बानी नहीं दी है। मैं सुख और दुख से आगे जा चुका हूँ। तो भैया, रवि जी के सुख और दुख से ऊपर उठने के साथ साथ हमें आज जाना था गुर्रेज वैली, जो कि श्रीनगर से 137 किलोमीटर दूर थी। सबसे पहला जो काम हमने किया, हमने हमारी बाइक्स धुलवाई और उसके बाद हम निकल पड़े हमारे सफर पे। और इस सफर में हमारे साथ दो और हम सफर जुड़ गए थे, एक थे हमारे रविराज जी और दूसरी थी हमारी ड्रामा क्वीन रोशनी जी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। आज हम जा रहे हैं गुर्रेज वैली, ऐसी जगह है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जाना वो जगह डिजर्व करती है। श्रीनगर से 35-40 किलोमीटर चले थे और हम आ गए हैं एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे। इस लोकेशन का नाम बताने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी हम वूलर लेक पे रुके थे, मतलब प्रॉपर वूलर लेक नहीं है ये, वूलर लेक का एक छोटा सा पार्ट है जो इधर आता है। तो यहाँ से 100 किलोमीटर और जाना है हमें, तो हमें थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा और फोटोज वगैरह क्लिक करवानी है तो वो भी साथ में मैनेज करना पड़ेगा, मतलब नहीं तो हम हो जाएंगे लेट। दिल्ली, ये दिल्ली, मैं हम दोनों जयपुर। जयपुर से कब निकले उधर से? परसों। परसों रात को कहाँ ठहरे? एक बार चंडीगढ़ ठहरे, एक बार उधमपुर ठहरे। अच्छा, और कल श्रीनगर थे। चाय पियो? चाय मंगाए हुए? ना ना सर, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ तो जज्बात बदल गए, नज़ारा बदल गया। हो 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 हो, ओके, ऑसम। ऐसा मार्केट कौन नहीं चाहेगा, दोनों तरफ दुकानें और सामने देखो, ओहो, मतलब खतरनाक खतरनाक, वाओ। इस रोड पे छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग्स भी बनी हुई हैं और यहाँ पे नारियल का सा जो छिलका होता है वैसा कुछ है, पता नहीं पत्ते वत्ते होंगे शायद, ये फैल रखे हैं। और इस पर जैसे टायर जाता है बहुत तेज स्किड होता है ये। अब जैसे जैसे शाम हो रही है पानी बढ़ता जा रहा है और मेरे ख्याल से रात होते होते पानी और तेज हो जाएगा। अभी हम जब ओ भाई, अभी हम ऊपर इतना ऊपर आ गए हैं कि धुंध भी अब रोड पर दिखने लग गई है और यहाँ तो
तो भैया हम जा रहे थे गुरेज वैली और यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास और बचा है और हमें लग रही थी बहुत जोरों से भूख, तो हम रुके, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, भूख बहुत जोर से लग रही थी तभी से तो रुका ही नहीं गया, मतलब मेरे वीडियो के लिए आधा से ज्यादा ऑमलेट तो खा गया। मैडम को आ रही है ऑमलेट से बदबू क्योंकि इनका क्या मंगवाया था, मैगी नहीं आई इनकी। आधे घंटे का ब्रेक हो गया यहाँ पे और बैठे बैठे अचानक से जब ऊपर आ रहे थे तो हमें पता भी नहीं चल रहा था कि मतलब ठंड है ऊपर, लेकिन यहाँ जब आधे घंटे बैठे तो अचानक से ठंड बहुत ज़्यादा लगने लग गई, तो सब ने अपने थर्मोनिनेस वगैरह निकाल लिए हैं और पहन के बैठे हैं और ये माशा इतना ऊपर आके भी चाय को ठंडी से भी ठंडी करके पी रहे हैं। आई लाइक क्वालिटी। बताओ ऐसे जूते पे थैली लगा रहा है जो जूते पे मिट्टी नहीं लग रही, थैली पे भी नहीं लग रही, थैली फाड़ रहा है। मतलब हमारे जूते ऐसे, हमारे जूतों की हालत ना ऐसी हो गई है, लेकिन इसके जूते वैसे के वैसे पड़े, हर जहाँ भी कोई मिलता है ना उसको कहता है भैया एक थैली दे दो। बेचारा अल्टो वाला फोटो खींचने रुका अपने ही काम से, उसको जाके बोलता है भैया पॉलिसी नहीं गया आपके पास, वाले का पेट्रोल खत्म है, उसका लगा रहा, बोले भैया रुको थैली है क्या आपके पास, मेरे को भी पूछ रहा था कि भैया पेट्रोल है क्या आपके पास, मैं बोले एक्स्ट्रा कैरी कर रहे होगा, मैंने कहा नहीं आपके पास थैली है क्या, मेरे को पहले पता होता ना, मैंने आपके पास थैली के थैली दे दो पेट्रोल ले लो, ये पूरे कश्मीर की थैली है ना इकट्ठी करके राजस्थान लेके जाएगा। तो चलो अभी ना अंधेरा हो रहा है तो हम निकलते हैं और आपको मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग पे। तो उस रेस्टोरेंट पे मैगी और ऑमलेट खाने के बाद अब हम लोग आगे निकल चुके हैं गुरेज के लिए। गुरेज यहाँ से 40-45 किलोमीटर बता रहे हैं, राजस्थान नाम से एक जगह है जहाँ तक रास्ता है कुछ इस तरह की डामरिक रोड है, बाकी उससे आगे लोग बोल रहे हैं कि रास्ता काफ़ी ख़राब है तो आपको पहुंचने में 9 बज जाएंगे, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमें बिकॉज धुंध भी काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि विजिबिलिटी का थोड़ा इशू आएगा मेरे ख्याल से। और भाई साहब ठंड बढ़ गई है, अब ठंड लग रही है सही बता रहा हूँ। ओहो ओ ओ भाई ठंडा पानी यार, फक इतना ठंडा पानी अभी तक कहीं नहीं लगा, इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करी हमने, लेकिन ये सीरियसली ठंडा है। वाओ ओहो वाओ वाव के चक्कर में लंबा मत हो जाना भाई। ओ ओ ओ, ओ भाई कुछ नहीं दिख रहा। वेलकम टू राजस्थान पास, राजस्थान पास क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। वो कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है, हम ऑलमोस्ट राजस्थान पास का चेक पॉइंट क्रॉस कर चुके थे, तो हमारे रवि जी को एक ख्याल आया कि क्यों ना इस पहाड़ के पीछे की साइड जाके कुछ फोटोग्राफी की जाए। हालांकि ये रास्ता देख के फोटोग्राफी का जो हमारा प्लान था वो थोड़ा खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा था। ये रवि लगा, मेन स्टैंड पे लगा था, अच्छा लगा। ये फिर भी आ गया रवि, टाइम लैप्स चालू है क्या तेरा? तो अभी हम यहाँ पे राजस्थान पास पे आ गए थे, ये इस तरह का रास्ता बहुत खतरनाक रास्ता है, वीडियो में आपने देखा ही था, इस तरह का रास्ता लेके और यहाँ एक टाइम लैप्स लगा रहा था रवि, ये तरह कैमरा लगा के यहाँ ये बाइक खड़ी थी, बाइक अचानक से धम से नीचे गिर गई, रवि का हेलमेट था वो वहाँ यहाँ से नीचे गिरा और पता नहीं यहीं कहीं यहाँ कहीं अटक रखा है, वो दिख रहा है पता नहीं, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये यहाँ ये रहा हेलमेट। तो 2017 में रवि के साथ ऐसा हुआ था, खाई में हेलमेट गिर गया था, रवि वापस लाया था, अब की बार फिर रवि को जाना पड़ेगा हेलमेट लाने के लिए। अब वापस चालू करो यार, मेरा चैनल बनाने तो रवि हेलमेट कौन लाएगा, पहले एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे मेरे उतर के, पहले ये बता हेलमेट का हेलमेट कौन लाएगा, ये बता मैं लाऊंगा और कौन लाएगा, ले हट जा। ओ भाई तो सीन्स कुछ ऐसे थे कि हेलमेट को खाई से बाहर लाने का प्लान बनाने से पहले तो हमने सोचा क्यों ना इस व्यू को एंजॉय किया जाए जिसके लिए हम यहाँ आए थे और इतना रिस्क लिया था। इसी बीच हमारे रवि भाई साहब ने भी अपना टाइमलेस पूरा कर ही लिया, थोड़ी देर बाद शुरू हुआ हमारे प्यारे हेलमेट का रेस्क्यू। हाँ हेलमेट गिर गया था, रवि और वो गगन लेने गए, रवि के हाथ में हमने रस्सी बांध दी है, ये देखो यहाँ पे रस्सी बांध दी रवि के हाथ में, ये रही तो गगन ने पकड़ रखी है। फाइनली सीधा अब तिसल जाएगा, पत्थर है पैर तिसलेगा,
फिसल जाएगा यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर है तो ना चाहते हुए बैंकर एडवेंचर हो गया। मेरा पैडे नीचे चला गया। रवि कैसा लग रहा है? मैं एक्सपर्ट हूँ इंजीनियर। एक्सपर्ट है हेलमेट लाने में, पहले गिराने में फिर लाने में। हालांकि हेलमेट को रेस्क्यू करने के बाद हमारी जो खुशी थी वो इंद्रदेव से ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त हुई नहीं और काफ़ी तेज़ बारिश आने लग गई। वहाँ से निकलना पड़ा और हम निकले हमारी मंजिल की तरफ। मेरा गोप्रो हैंग हो गया था, उसको सही करने के लिए रुका था यहाँ। ट्रस्ट में इतना पीस है ना, मतलब जो पानी बह रहा ना नीचे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और ये रास्ता दिख रहा है कितना ख़तरनाक होता जा रहा है। रात होती जा रही है और ये रास्ता और बद से बदतर होता जा रहा है। बात यह है कि गोप्रो ठीक करने के चक्कर में मैं पीछे रह गया हूँ और रवि और गगन आगे चले गए, तो बाई चांस अगर मैं फिसल गया या मेरी बाइक टेढ़ी हो गई तो यहाँ कोई बाइक को उठाने वाला भी नहीं है। वाटर क्रॉसिंग कौन भी कहीं कहीं जानवर की क्रॉस करेंगे। गाड़ी पीछे से सांप बनी हुई है, आगे वाला टायर अलग जा रहा है, पीछे वाला से गुलाटियाँ मार रहा है। गुरेज 25 किलोमीटर। यहाँ पे अचानक से बहुत सारी लाइटें चल रही है, पता नहीं कोई गांव है या क्या है। इतनी देर से हम सुनसान अंधेरे में चल रहे थे। नाम क्या है? हमारा नाम पूंजी ट्रैवलर्स। इस चैनल का नाम 20 बार चेंज कर चुका है, अब नया नाम हो गया पूंजी ट्रैवलर। ये भाई का दिया हुआ प्यार से।